हम लोग प्लान इतना जल्दी चेंज करते हैं। अभी हम लोग वाटरफॉल जा रहे थे और अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ रोज़ गार्डन। है देखो हैंडल छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं भाई, स्कूटी चले जाओगे अभी। हम इसके मम्मी पापा से अनुरोध करना चाहते हैं, कृपया करके इस लड़के को गाड़ी उड़ी ना दे। को पार्ट जैंत में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, ये गली गली में घुसवा के कहाँ से लाएं। बाकी बाइक वहाँ पे खड़ी है हमारी, और यहाँ पे मैं, सुभाष और अब रोहित तीनों अंदर जा रहे हैं। चलिए अंदर चलें और दिखाते हैं क्या है जैंत का इको पार्क। तो अब हम लोग गलत जगह पर आ चुके हैं, ये सुभाष हमको गलत नाम से रास्ता बता दिया। गलत जगह सही है, गलत एरिया है, लेकिन दोस्त इको पार्क आ गए हम लोग। आप देख सकते हैं सुभाष हमारा जो दोस्त है को, वो आज पहली बार ड्राइविंग कर रहा है, पहली बार स्कूटर चला रहा है, वो भी मेरी इतने रिस्क पे दिए हैं कि क्या बताएं, किडनी निकाल देंगे उसके बारे में मरेगा तो। देख सकते हैं आप, कभी इतने साइकिल नहीं चलाई, आज इसको स्कूटी दिया है हमने। हाँ, इतना अपनी रिस्क से हम लोग मिल सकते हैं दोस्तों के लिए। देखा मुँह दिखाओ, मुँह दिखाओ, आगे चलो आगे चलो। और हम लोग पीछे से जब थे पार्क में रोज काटेंगे, हम लोग कंफ्यूज हो गए। तो वॉचमैन अंकल हमसे 20 रुपए मांग रहे थे, देखते हैं यहाँ पे एंट्री फीस लगती है कि नहीं। अब हम लोग अपने से आए, देखते हैं एंट्री फीस लगती है कि नहीं। वहाँ पे 20 रुपए मांग रहे थे पर पर्सन। और ये हमारे एक दोस्त हैं जो बोलते हैं कि चलो जो जल्दी पैसा जमा करो। मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा आगे पीछे दीवार देखो, कुछ कुछ काम होगा। कितने रुपए है? 20 रुपए। हाँ हम लोग वहाँ पे मैं अपने से कटवा दे रहा हूँ। हाँ फिर हम लोग कर लेंगे। ये है फाइनली, वो वाले पार्क में गए थे तो दिख ही नहीं रहा था। मैं पूछ रहा हूँ रेलवे का ट्रैक कहाँ है, ट्रेन चल रही है, तो ये बोलता है यही आए थे। क्या बोल रहा था ये बताओ? बैग से सब सेम है, देखो बैग से सब कुछ सेम है, कुछ सेम नहीं है, ये वही है असली पार्क। हो गया कंफ्यूजन होती रहती है, कोई बात नहीं। बंद हो जाता है भाई, ये गलती तुम्हारी थी, तुम लोकेशन दूसरी दी थी। 8 बजे बंद हो जाता है ना। चलो घूमे अब मजा आएगा, वो बोल रहे थे यही है कि नहीं। फाइनली रीच टू आवर डेस्टिनेशन, और यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं और जो लुक आ रहा है, मतलब अंदर नीचे से जो दिख रहा है इतना तगड़ा दिख रहा है क्या बताऊँ। और वैसे अभी ट्रेन नहीं चल रही है यहाँ पर, ट्रेन नहीं चलती है, ये जो आपको दिख रहा है स्टेशन टाइप का वहीं पे आती है ट्रेन, पर आज नहीं चल रही है शायद, बारिश हुई इस वजह से। और बाकी सब बढ़िया है, और देखते हैं इन्जॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या देखते हैं। ट्रेन चलती है देख सकते हैं, वो जो ट्रेन, वो जो ट्रेन खड़ी है ना वही वाली, ये स्टेशन है इसका, ये रिट्रेन, वहाँ से हम लोग अभी खड़े होकर देख रहे थे वहाँ से, और हम लोग जा रहे हैं अभी बैठने, देखने में काफी छोटा है पर बहुत बड़ा है। हाँ हम लोग को एक चीज चेक करा था, हम लोग अभी रोज गार्डन में है, और यहाँ से अभी जो हमारे सामने चीज दिख रही है, आपको भी दिखना चाहिए वो चीज, वो देख सकते हैं हमारा जो नेशनल फ्लैग है कितना तगड़ा भी हवा में लहरा रहा है, देख सकते हैं। तो क्या दिख रहा है वो देखो, उसका कलर थोड़ा डल हो गया ना, बारिश है ना, और नेशनल फ्लैग है तो खुले में रहता है हमेशा। हाँ चेंज करना चाहिए उसको, चेंज होता है, सिखा यार इस रोहित को क्या बोल रहे हैं, तो मस्त दिख रहा है यार। हम तो कुछ बोलेंगे हम सब जो बोलने लायक भी नहीं हो ब्रो, हम बोल रहे वहाँ पे, बाकी यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं लोग, देख सकते हैं हम वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ पे लेक था पहले, बहुत सारा पानी भरा हुआ था यहाँ पे, जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पे पानी भरा हुआ था पूरे, पर इस बार पानी कम हो गया है। कम हो गया कि है कि नहीं है? नहीं है ही नहीं शायद, पानी ही नहीं है। यहाँ बोट भी चलती थी ना, पर अब बोट भी नहीं चल रही है। कितने सारे गैंग है पूरे, देख चलो आओ ना, अरे पूरी गैंग है देख, गजब ब्रो, वो देखो दौड़, अबे पहचान लेगा कि तू उसका रिश्तेदार है। अरे कितने सारे रे, अरे इसलिए तो भाग के आ गया, रिस्क नहीं लेने का। चलो 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 ठीक है, ये लड़का हमको परेशान करके रखा है, इसके पोजेस आप एक्सपोज करेंगे, इसकी पोज है, आप पोज दिखा दे रहेगा, एक आप पोज, एक हाथ ऐसे मोड़ के बैठ जाता है।
कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं हुआ ऐसे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, उसकी आदत है। रास्ता यहाँ बाहर से फाइनली हम लोग आ गए रास्ते में। बहुत स्ट्रगल किया हमने, कब से बता रहा हूँ कोई सुनता ही नहीं। चढ़ो चढ़ो, तेरी बात ही ऐसी है। फाइनली आज हम आ गए इसे छत पे। ये देखो नजारा गाइस, हां कितनी मस्त हवा चल रही है। ऐसी हवा में तो क्या हवाएं हैं, क्या ताजी ताजी। यहाँ से सीन भी बड़ा मस्त दिख रहा है गाइस। इसे पानी था गाइस, मैंने सुबह से पीछा था कि उन्होंने चट्टी लगाया था। हां गाइस यहां से करिए लुक क्या चाहता है गाइस। इन लोग की पूरी सैलरी कट कर दीजिएगा, इतना ओवर एक्टिंग मैंने देखा। मंदिर कहां गया? कौन मंदिर? बंदर अपना पर्सनल टाइम निकालने गया, तुम्हारे साथ भी नहीं रहेगा। मतलब सब पर्सनल निकालेगा बहुत रखे। एक चलता फिरता बंदर हमारे साथ घूमता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। वो सब चलते फिरते हैं, हमारे बैठने को नहीं है। अरे फैमिली आ रही है यार, वेट कर रही है। धक्का दे दे सुभाष, धक्का दे दे, धक्का दे। ओहो आ क्या बात है, ये तो बहुत हल्का है। सॉस दे दीजिए। तो अभी हम लोग रोज गार्डन के सामने जस्ट यहाँ पे चाउमीन खा रहे हैं, और आप लोग भी यहाँ से चाउमीन खा सकते हैं, क्योंकि हमें तो काफ़ी पसंद आया। आशा करता हूँ आप लोगों को भी यहाँ पे चाउमीन पसंद ही आएगा, काफ़ी अच्छी चाउमीन है। और बाकी मैं सुबह से और तीनों लोग खा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग को घर निकल रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, लेट हो रहा है। अभी घर से कॉल भी आया था मुझे, और भैया यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दुकान का नाम द फास्ट फूड है दुकान का नाम। रोहित अपनी गाड़ी निकाल लिया, मैं भी अपनी गाड़ी निकालता हूँ, और हम लोग बैठते हैं एक साथ और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और चुपचाप घर अब जाके सीधे गाड़ी लैंड होगी घर के पास। तो हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, और अभी बारिश होने लगी है, हमको लग रहा है डर, क्योंकि अगर बारिश तेज होगी तो हम लोग रुकेंगे यहाँ आस पास, एक भी घर और नहीं है। रोहित काफ़ी आगे है, और अभी मैं बहुत रिस्क वाला काम कर रहा हूँ, ड्राइविंग करते करते मोबाइल देख रहे हो। ये रहा रोहित सामने, उसी जगह पीछे बैठा। प्लीज सुबह मोबाइल पकड़ो भाई। अब जा रहे हैं हम लोग विशाल मेगा मार्केट, वी मार्ट की आदत होगी। अब वी मार्ट जा रहे हैं यहीं पे गोविंद नगर मार्केट है। हाँ रास्ते में था तो हमने सोचा कि एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं, मेरे पास टी शर्ट वी शर्ट नहीं, अगर पसंद आएगा तो ले लेंगे। देखो बेचारा ये सबसे घूम रहा है नंगा है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है नीचे देखो। ओ ब्रो लाइब्रेरी।